नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। G20 समिट का तीसरा सत्र जारी हो चुका है। आपको बता दें, G20 का तीसरा सत्र वन फ्यूचर पर आखिरी सत्र में फोकस किया जाएगा। शामिल नहीं हुए जो बाइडन दिल्ली से वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं। G20 में हिस्सा लेकर दिल्ली से रवाना हो चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। तो ये बड़ी खबर, आपको बता दें, आखिरी सत्र में शामिल नहीं हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और वियतनाम के लिए जो बाइडन रवाना हो चुके हैं। G20 में हिस्सा लेकर दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, G20 को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। G20 समिट का तीसरा सत्र जारी हो चुका है। 10:30 बजे ये सत्र शुरू हुआ था और G20 समिट का तीसरा सत्र 10:30 बजे शुरू हुआ था। आपको बता दें कि G20 के तीसरे सत्र पर वन फ्यूचर पर जारी है ये तीसरा सत्र और आखिरी सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन शामिल नहीं हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर G20 समिट का तीसरा सत्र जारी है। आपको बता दें, तीसरे सत्र में वन फ्यूचर पर चर्चा हो रही है और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, क्या है पूरा मामला? सत्र जारी है लेकिन जो बाइडन वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं। जी, निश्चित तौर से अगर बात की जाए कि तीसरा जो सत्र रखा गया है वो वन फ्यूचर को रखा गया है। उधर जो बाइडेन वो वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं। उसके पहले भी अगर बात की जाए, जो बाइडेन का एक प्रोग्राम निर्धारित था और वो तमाम मुद्दों को लेकर सहमति भी बन चुकी थी और तमाम मुद्दों को लेकर जिन पर जो बाइडेन से बातचीत करनी थी वो बातचीत हो चुकी थी। हालांकि बात जो वन फ्यूचर को लेकर हो रही है, जो तीसरा सत्र है, और निश्चित तौर से जो पूरी दुनिया का भविष्य कैसे बेहतर हो, किन मुद्दों को लेकर साथ चला जाए जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके, और जो बात है विकासशील और विकसित देशों के बीच की खाई की, वो कैसे दूर की जाए और सभी एक साथ मिलकर चले, इसको लेकर जो विशेष सत्र रखा गया है वन फ्यूचर, वो लगातार प्रगति पर है और तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठक कर रहे हैं और इसके बाद में पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो ये बताएंगे कि इस जो बैठक में क्या निष्कर्ष निकला और क्या बातचीत हुई। वहीं उसके बाद भी कई देशों के साथ में द्विपक्षीय बैठक होनी है पीएम मोदी की, जिसमें फ्रांस है, यूएई है और टर्की है। ये तमाम महत्वपूर्ण देश हैं जिनके साथ में बैठक के बाद में कुछ निष्कर्षों पर निकला जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए इस बैठक की, तो इस बैठक में जिस तरह से तीन सत्र निर्धारित किए गए थे, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जो जिसमें से कल दो सेशन निर्धारित किए गए थे वन अर्थ और वन फ्यूचर को लेकर आज बैठक चल रही है, जिसमें विश्व के कल्याण के लिए और खास तौर से किस तरह से पर्यावरण को बेहतर किया जाए, एआई की तकनीकी जिस तरह से उभर रही है, किस तरह से डिजिटल चीज़ों को जोड़कर विश्व में एक 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 समानता लाई जाए, और जिस तरह से भारत में देखा गया है कि गाँव का देश कहा जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर डिजिटल पेमेंट इस तरह से और डिजिटल की दुनिया में भारत ने जिस तरह से अपना लोहा दुनिया को मनवाया है, तो एक उदाहरण भी भारत प्रस्तुत कर सकता है। जी चंद्रमणि, जो कि देखा गया है कि कल 73 मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई थी, आज किन मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है इस सत्र में? ये देखिए, वन फ्यूचर को लेकर साफ और सीधा मुद्दा है कि समस्त देश जो विकासशील हैं और जो विकसित हैं, उन पे आपस में सहमति बने कि किन मुद्दों को लेकर हम साथ में चलेंगे जिससे हमारा भविष्य बेहतर होगा। वहीं अगर कल की बात करें, कल जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को G20 में सदस्यता दी गई, वहीं जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है जिससे जो भारत से UAE तक की रेल मार्ग और
मार्ग से व्यापार की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की गई, तो इसी को लेकर किस तरह से बेहतर किया जाए और जो सहमतियां बनी हैं उनका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, वो तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और जिस तरह से देखा गया है कि इस बार जो भारत ने अध्यक्षता की है वो तमाम मुद्दों पर जिन पर सहमति बननी थी वो बड़ी आसानी से बन गई, और यही भारत की अध्यक्षता और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसका नेतृत्व किया है, तो कहीं ना कहीं जो विश्व के अलग देश हैं, जो अन्य देश हैं, वो हर बार चाहेंगे कि इस तरह की अध्यक्षता हो, इस तरह से जिस तरह से दिल्ली समिट का नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, उसके साथ ही में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बातचीत चल रही, और सबसे खास बात ये रही कि एक तरफ युद्ध के मतलब रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है और उसके बावजूद इस समिट में तमाम देशों में आपसी सहमति नजर आई और सभी देश खुश नजर आए। तो निश्चित तौर से जिस तरह से भारत ने ये बैठक की है और इसके पहले जिस तरह से होमवर्क किया है, तमाम बैठकें आयोजित की गई और उसका परिणाम ये निकला कि सभी मुद्दों पर सभी देश सहमत नजर आए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंद्रमणि। तो आपको बता दें कि अपने आप में G20 का ये सत्र काफी अहम माना जा रहा है। तो अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बता दें, वहीं इससे पहले G20 के दूसरे दिन मेहमान देश के नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं का खादी के शॉल के साथ स्वागत किया। सभी नेताओं को राजघाट के बारे में जानकारी भी दी गई इस दौरान। तो आपको बता दें, विदेशी नेताओं की बापू को श्रद्धांजलि देते तस्वीरें भी सामने आई और विदेशी मेहमानों ने राजघाट पर पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। जो बाइडन, ऋषि सुनक ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सभी मेहमानों का जोरदार स्वागत किया इस दौरान। आपको बता दें कि राजघाट से ये तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। राजघाट पर सुबह विदेशी मेहमानों की ओर से महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जो बाइडन की तस्वीरें देखने को मिली और तमाम विदेशी मेहमान इस दौरान नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जॉर्जिया मेलोनी देखी जा सकती है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो देखे जा सकते हैं, जर्मन चांसलर भी देखे जा सकते हैं और चार्ल्स मिशेल इस दौरान देखे जा सकते हैं। आपको बता दें, चार तस्वीरें जहां पर राजघाट में ये विदेशी मेहमान पहुंचे और महात्मा गांधी की समाधि पर इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और ऋषि सुनक को देखे जा सकता है और जोको विडोडो को देखा जा सकता है, चाइना के प्रधानमंत्री को भी देखा जा सकता है और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन की भी तस्वीर आप देख सकते हैं इस समय। तो तमाम विदेशी मेहमान राजघाट पहुंचे सुबह, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मेहमानों का खादी का शॉल पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, ये तस्वीरें आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजघाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो बाइडन देखे जा सकते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति दूसरी तस्वीर में, और लूला को भी देखा जा सकता है जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, और इसी के साथ जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री को भी देखा जा सकता है, शेख हसीना अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो तमाम विदेशी मेहमानों को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी विदेशी मेहमानों का उनकी ओर से शॉल पहनाकर, खादी का शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें राजघाट की हैं और आपको यह भी बता दें कि बैकग्राउंड पर जो तस्वीर है वो गुजरात के साबरमती आश्रम की है, जो कि कल जो तस्वीरें देखने को मिली थी वो कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में है वहां की देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और विदेशी मेहमानों को भारतीय संस्कृति से अवगत करवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल भी नजर आए और आज भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो वहीं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे, जहां पर अक्षरधाम मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, जहां अक्षरधाम मंदिर के संतों ने सुनक का भव्य स्वागत किया। सबसे पहले अक्षरधाम मंदिर के निर्माता प्रमुख स्वामी जी महाराज की भव्य प्रतिमा के समक्ष संतों ने वैदिक मंत्र और मंत्र तार के साथ उन्हें कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके बाद मंगल कामना की। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तमाम पुजारियों के साथ इस दौरान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश पीएम के साथ उनकी पत्नी ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी अक्षता मूर्ति भी नजर आई थी, जहां पर ये दोनों अक्षरधाम मंदिर में
पूजा अर्चना करते नजर आए। और आपको बता दें कि G20 को लेकर तमाम विदेशी मेहमान दिल्ली में हैं और इसी कड़ी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। आपको बता दें सुरक्षा लिहाज से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ऋषि सुनक आरती करते हुए नजर आ रहे हैं।